कोविड-19 के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। इस महामारी की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इस लॉकडाउन में लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी ला दी है। जो लोग दूसरे की खुशियों में डीजे, धुमाल और साउंड पार्टी बजाकर उनके कार्यक्रम में चार चांद लगा देते थे, आज उनके यहाँ लंबे समय से दुकान बंद होने के कारण मायूसी सा पसरा हुआ है। अपने दुख बयां कर रहे बेमेतरा जिले के डीजे, धुमाल, साउंड सर्विस वालों को अपने परिवार की जीवन यापन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले में लगभग 1000 डीजे, धुमाल, साउंड सर्विस की दुकानें हैं, जिनकी परिवार के सामने दुकान बंद होने से बड़ी समस्या आन पड़ी है। वैश्विक कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते लगातार डीजे धुमाल वालों को जिला प्रशासन अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते जिले में लगभग 1000 डीजे, धुमाल, साउंड सर्विस वाले हैं, जिनकी जीविका संकट में है। विगत 2 वर्षों से हमारा जो बिजनेस है साउंड डीजे धुमाल का, वो पूर्ण रूप से बंद है, जिसमें हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और एक दुकान के पीछे, एक धुमाल दुकान के पीछे 30 वर्कर्स होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक महोदय जी और कलेक्टर महोदय जी से मेरा अनुरोध है, हम डीजे वाले को एक दुकान के रूप से ना देखें। एक दुकान के पीछे 30 कर्मचारी 40 कर्मचारी होते हैं। एक व्यापार के लाइन में 40 कर्मचारी के परिवार होते हैं। इस दरमियान से देखें तो हमारे बेमेतरा ज़िले में 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, और कोरोना महामारी के चलते तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शासन को अपनी दुकान की किराए वसूलनी है, बिजली बिल तो लेनी है, और बहुत सारे टैक्सेस भी है जो हम देते हैं शासन को, लेकिन शासन प्रशासन को किसी भी प्रकार से हमारे प्रति कोई सूद है ही नहीं है। जो सूद लेते हैं, जब अधिकारी से मिलने जाओ तो बैठे रहते हैं ऑफिस में, हमसे मिलने की कोशिश और कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं देता। तो शासन के हर काम में हम साउंड का काम करते हैं और जश्न में हम चार चांद लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खुशियों में आज ग्रहण सा लगा हुआ है। शासन से मेरा अनुरोध है कि जैसे बाकी के व्यापारियों को कुछ गाइडलाइंस के साथ अनुमति दी गई है अपने व्यापार करने के लिए, उसी प्रकार हमें भी कुछ गाइडलाइंस देकर हमारा भी व्यापार चालू कराएं। रोजगार के लिए अधिकतर डीजे धुमाल साउंड सर्विस जो कि बैंक से कर्जा लेकर अपना दुकान लगाए हुए हैं, जो लगातार जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से लगभग 1000 दुकान वालों का बैंक का किस्त, दुकान का किराया नहीं निकल पा रहा। उनके सामने अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए बड़ी समस्या आन पड़ी है। जिले में अनलॉक तो हुआ, सभी दुकानों को नियम व शर्तों के साथ खोलने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है, वहीं पर डीजे, धुमाल और साउंड सर्विस वालों को अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगा रहे हैं। 2 साल से दुकान है, हम कहां से पैसा लाएं, कहां दे पैसा, कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब ऐसा है कि हमारे जो छोटी सी बच्ची है वो बोलती है कि चाचा, पापा जी चले ला, उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं। ये कोरोना जो आया वो हमारा तो 2 साल पूरा ख़त्म कर ही चुका है, और पता नहीं आगे कितना दिन तक करेगा। तो इतना जो हो चुका है, प्लस हमारा जो काम तो चलने रहा, दुकान का किराया, मकान का किराया, मैं अपने पर्सनल मतलब मकान में रहता हूँ, किराया कटाता हूँ, मकान मालिक मेरे को बोलता है कि किराया दो, तो कहाँ से दूँ किराया। तो ये सब बहुत ज़्यादा ही हमको परेशानी हो रहा है। हमारे सरकार से ये गुजारिश है कि करें, निवेदन है सरकार से कि हमारे भी कुछ सुने। मेरे 1000 साउंड परिवार पिछले 2 वर्षों से भूखे हैं। 1000 साउंड परिवार है, 1000 साउंड परिवार का चूल्हा जलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वो रोजी रोटी कमाने के लिए मेरे तो कई डीजे धुमाल वाले भाई आज पूरा दिल्ली चले गए हैं। क्या करें, 7 लाख 8 लाख रुपये में सामान लिए बैठे हैं सब डीजे का, कर्ज कहाँ से पटाएंगे, वो घर कैसे चलाएंगे। हमारी स्थिति यहाँ की कोई सरकार नहीं सुन रहे हैं। पता नहीं डीजे वाले, साउंड वाले से क्या उनको नफरत हो गए, क्या हो गए। हम हर खुशहाली में जाते हैं, हम रौनक बढ़ाते हैं किसी शादी में जाके, लेकिन ये स्थिति जो है कोरोना महामारी का, इसमें ऐसा स्थिति बन गए कि हम लोग एक खुशी देने वाले आज हम खुद मातम में हैं। हमारी खुशी में ग्रहण लग चुका है। हमारे परिवार में अभी जो सरकार 35 किलो चावल दे, 35 किलो चावल में किसी के पेट नहीं भरते हैं। घर के खर्चे चलाने में और कुछ चीज़ चाहिए, सब्जी चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, ये कहाँ से पूर्ति करें।
हम लोग इतने परेशान हैं कि मैं ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरे पास कोई जबान ही नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हमारा जबान तो पूरा ऑलरेडी टोटल बंद कर चुके हमारे सरकार। बहरहाल अपनी मांग की पूर्ति न होने पर चक्का जाम करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर डीजे साउंड सर्विस धुमाल वालों को जिला प्रशासन कब तक अनुमति दे पाती है, जिसके कारण उनके रोजगार और आर्थिक तंगी दूर होती है। बेमेतरा से संवाददाता ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट।